हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, पता है आप लोगों को इंतज़ार है, मेरा एनुअली स्कैन था कल, क्या हुआ करके मुझे कमेंट भी आ रहा था एनुअली स्कैन का क्या हुआ। तो मैं फर्स्ट बता देती हूँ कि एनुअली स्कैन जो था कल, सब कुछ ठीक ठाक रहा आप लोग का दुआ के वजह से और भगवान की कृपा के वजह से। कहीं ना कहीं मैं तो पूरा टूट ही गई थी कल। मतलब कैसे मैं सुबह उठ के गई थी, जब तक स्कैन नहीं हुआ था तब तक मैं किस सिचुएशन में थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, कितना टेंस में थी मैं। बट भगवान पे भरोसा तो था ही, और जैसे तैसे करके 10:30 बजे के अंदर स्कैन ख़त्म हो गया था। कल तो हम लोग घर से 8 बजे निकले, तो 8:45 तक वहाँ पे पहुँच गए, 9 बजे आने के लिए बोले थे। फिर जाके जो उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो सब हुआ, फिर जल्दी हो गया स्कैन, फर्स्ट मेरा ही था। और मतलब एनुअली स्कैन में ऐसा तो थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक मुझे फिर भी 40 मिनट तो लगा होगा एनुअली स्कैन के लिए। फिर स्कैन के बाद वहीं पे मैम से मैं तो पूछ ली सब कुछ ठीक है कि नहीं, बोला हाँ सब कुछ नॉर्मल है। और लास्ट टाइम के बारे में भी बोली, लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ निकला था, बोले नहीं लास्ट टाइम तो था ही बट अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, हार्ट तो पूरा क्लियर है, तो आप ये काम कर सकते हैं, इसके लिए फेटा लिको कर लीजिए, उसमें और भी क्लियर पता चल जाएगा। वो तो पूरा फेटा लिको में हार्ट को ही देखते हैं। तो फिर मैं बोली हाँ ऐसे तो मुझे करना ही है फेटा लिको, तो उस हिसाब से देखती हूँ कब मुझे फेटल इको करवाना है। 22 से 24 के अंदर में ही करना है, 22 वीक से 24 वीक के अंदर में। और कल जो था दूसरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। हाँ, और एक चीज़ है, ऐसे तो सब कुछ ठीक है, सर्विक्स का लेंथ भी ठीक है, 4.1 सेंटीमीटर हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, बस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कंप्लीट बैक टेस्ट की वजह से हुआ है, भगवान का कृपा तो है मेरे पर। सर्विक्स का लेंथ भी ठीक है, लास्ट टाइम जो पानी दिख रहा था सर्कलेस का ऊपर वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, अभी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि एक चीज़ था जो मैम बोले, तो उसको लेके थोड़ा सा मैं टेंस हूँ कि देखिए लास्ट टाइम ट्विंस के वजह से हो सकता है 5.5 महीना में हो गया, इस बार सिंगल ही हो सकता है और 1 महीना चला जाए, 6.5 महीना 7 महीना में हो जाए, इसलिए आपको अच्छा NICU का फैसिलिटी जहाँ पे एडवांस हो वहाँ पे हॉस्पिटल देखना है, कि जैसे आपको मतलब हेल्प हो जाए, जैसे आपको हेल्प हो जाए। अगर प्रीमैच्योर होता है तो NICU का फैसिलिटी अच्छा मिले। तो कोलकाता में 2-3 हॉस्पिटल बोले, मेडिका था, भागीरथी न्यूटिया था और एक कुछ था, वहाँ पे पर डे NICU का चार्जेस 25 to 30K के अंदर है, 28-29K के अंदर, इसे ऊपर भी हो सकता है उन लोग का जो कहना है, इतना तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी अगर कोलकाता से है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और उनको पता है NICU के बारे में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा हॉस्पिटल जो है मुझे सजेस्ट करें, और इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। तो इसको लेके कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि क्या करूँ, कौन सा हॉस्पिटल में दिखाऊँ जहाँ पर NICU का एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल हो। लास्ट टाइम भी कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से हुआ, तो इस टाइम इसलिए डॉक्टर भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल देख के रखेंगे, अगर कुछ हुआ तो फिर वहाँ पे एडमिट होगा करना होगा। तो वही सब, कल क्या करूँ कहाँ दिखाऊँ ये सब सोच के कल मैं परेशान भी हो गई थी। कल आते आते तो ऐसे 4:30 हो गया था, और फिर ये सब को लेके हम लोग अभी तक तो कोई डिसीजन लिए नहीं है कहाँ पर दिखाना है, क्या करना है, कैसा क्या, तो वो सब भी सोचना है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं आप लोग से एक बार भी डिस्कस कर लेती हूँ ये सब को लेके। देखिए किसको मन नहीं होता है अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना, लेकिन वहाँ पे एक दिन का अगर 30,000 होगा NICU का चार्जेस, तो ये तो अफोर्ड में नहीं कर पाऊँगी, कभी भी नहीं कर पाऊँगी। जहाँ पे अफोर्ड कर पाती हूँ 10,000 तक मैं कर पाऊँगी, ठीक है 10,000 तक पर डे जैसे तैसे मैनेज कर लूँगी, लेकिन उसमें
वही दिक्कत है कि वो लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं सोच रही हूँ, नहीं तो फिर पीजी हॉस्पिटल कोलकाता, अगर कोई है तो उनको पता होगा पीजी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में भी अच्छा NICU का फैसिलिटी है वहाँ पे। वही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अचानक से एडमिट होना, ये सब चीज़ मतलब इमीडिएट बेसिस में हो पाना सब कुछ, वो भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हम लोग उसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर होगा तो फिर पीजी में दिखाएंगे। देखती हूँ अभी तक क्या करूँगी, ये तो फाइनल भी नहीं किए हैं हम लोग। बस अब तो भगवान से यही प्रे करूँगी सब कुछ सही रहे, NICU का बारे में मेरा दिमाग में ना आए, ना ही ऐसा कभी सिचुएशन आए कि NICU के बारे में सोचना पड़े। बस भगवान पे तो भरोसा है ही, और कंप्लीट बेड रेस्ट करके जैसे तैसे मैनेज भी करना है। ऐसे तो बोले हैं कि अब थोड़ा सा घर में इधर उधर हो सकते हैं, फिर घर में मतलब ऐसे तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में थी, सिर्फ वॉशरूम के लिए उठती थी खाने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा खाना निकाल के खा लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती हूँ। और हाँ, मुझे लगा हाँ, और एक चीज़ है कि मुझे ये अलाउ मिल गया कि बैठ के वीडियो बना सकती हूँ, लाइव भी आ सकती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं लाइव भी आ सकती हूँ। तो गाइस ये था कल जो मैं गई थी हॉस्पिटल, तो ये सब हुआ। और मेरा बहुत सारा मेडिसिन भी बंद हो गया है, उसके लिए भी मुझे डर लग रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी मेडिसिन के बारे में, और एक वीडियो बनाऊँगी एनोमली स्कैन का रिपोर्ट मैं दिखा दूँगी आप लोग को। तो कल तो दूसरा डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट था, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। वही कि हम लोग अभी तक तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, थोड़ा तो सोचने में टाइम लगेगा। और मैं जहाँ पे सोच रही हूँ दिखाने के लिए, वहाँ पे एक बार जाके दिखा लेती हूँ, रूबी हॉस्पिटल में मैं तो चाहती हूँ वहाँ पे जाके थोड़ा दिखा लूँ, वहाँ पे जाके दिखा लेती हूँ, फिर जो भी फाइनल करना होगा एक वीक के अंदर में ही करना होगा। क्योंकि डॉक्टर भी बोले हैं लास्ट टाइम जो हुआ था आपका 22-23 वीक में हुआ था, तो उससे पहले आप जहाँ पे दिखाना है सब कुछ प्लान कर लीजिए, जैसे पूरा ये में रहे, वो डॉक्टर के अंडर में रहे। तो कहीं ना कहीं कल जब स्कैन हो रहा था मैं तो बहुत डर गई थी, कि पहले तो मुझे बहुत सारा टेंशन था, एक तो बेबी का क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए डर था, सर्विक्स का लेंथ कितना होगा उसके लिए डर था, जो पानी था उसका क्या हुआ होगा उसके लिए डर था, दूसरा डॉक्टर के पास दिखाना था वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस था। तो सब कुछ इतना स्मूथली हो जाएगा, इतना इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छा से हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा कल, चलो सब कुछ सही हो गया, ठीक ठाक है। बस यही थोड़ा सा मतलब ये सुन के ये लगा कि अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पे वो रेफ़र कर रहे हैं मैं वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, फिर दूसरा कहीं पे देखती हूँ क्या होता है। बस भगवान का साथ होना चाहिए और कुछ ज़रूरी नहीं है। तो गाइस अगर ये ब्लॉग्स आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच।